बिरयानी खाएंगी। तो यहाँ से ले रहे हैं हम लोग आयत की बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ और सारे घर के काम मैंने कर लिए हैं और मैं फ़िलहाल जा रही हूँ सुबह से। आज सारे जल्दी जल्दी से घर के काम निपटा रही थी क्योंकि मुझे जाना था सिस्टर के घर पर, क्योंकि भांजी की हुई है इंगेजमेंट, तो बस वो उसकी मुबारकबाद वगैरह देनी थी और मैं गई भी नहीं थी घर में, बस ऐसी ही रस्म हुई थी। तो बस वहाँ जा रही हूँ, एक काम और है, मुझे अपने ग्लासेस बनने के लिए दिए थे तो वो भी लेने हैं। काफ़ी दिन से उनकी भी कॉल आ रही है कि ग्लासेस बन गए हैं, आप लेकर चले जाओ, तो वो भी लेकर आऊँगी। तो बस फिलहाल अभी इमरान को बुलाया और जल्दी से जा रही हूँ। तो सबसे पहले आयु तैयार हो गई है। कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? अफशिन खाला के यहाँ जा रही हैं? अफशिन खाला के यहाँ जा रही हैं? तो ये रेडी होकर खड़ी हुई है। शूज़ तो आपने उल्टे पहने, सीधे पहनो शूज़। ये वाला शूज़ उसमें पहनो, ये वाला शूज़ इसमें पहनो, उतारो जल्दी से, उतारो, शाबाश, सीधे शूज़ पहनो, वेरी गुड, जल्दी से पहनो। इसमें नहीं पहनते बेटा, इसमें नहीं, ये वाले इसमें पहनेंगे। हाँ इस फॉर्म में पहने, उतारे, शाबाश, इसमें ये वाले पहने, गुड गर्ल, गुड गर्ल, देखो कैसी गुड गर्ल हो आप, गुड गर्ल। नो 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 नो, नाखून नहीं खाते हैं, कैसे कहती हैं मोमो, कैसे कहती हैं आयु, नाखून नहीं खाते हैं। तो गाइस मैं आ गई थी यहाँ पर अपना ग्लासेस लेने के लिए जो मैंने बनने के लिए दिया हुआ था। आजकल मेरी आई साइड बहुत ज़्यादा वीक हुई हुई है तो तकरीबन ये दूसरा या तीसरा ग्लासेस बना। इससे पहले जो बना हुआ था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ये वाला ग्लासेस भाई ने बहुत प्यारा बना के दिया, इतना प्यारा कि मेरा दिल खुश हो गया था देख कर, इतना अच्छा लगा था। थोड़ा सा महंगा बना है ये वाला, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला ग्लासेस। और मुझे ग्लासेस बहुत कम ही पसंद आते हैं, तो इनसे मैंने जो मेरा पुराना वाला ग्लासेस था उसकी भी थोड़ी सी जो वो जो होती है ना डंडियाँ जो होती हैं वो लूज़ हो गई थी, तो वो भी मैंने टाइट करवा ली थी। और यहाँ मैं शीशे में देख रही थी कि मेरा ग्लासेस कैसा लग रहा है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। घर जाकर मैं आपको दिखाऊँगी, यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि जल्दी हो रही थी हमें जाने की, मैं इस वक्त बाजी के यहाँ जा रही थी। तो यहाँ मैंने लगा कर भी देखा, बहुत प्यारा था, पिंक कलर का था ये ना, इसका फ्रेम ट्रांसपेरेंट लग रहा है आप लोगों को, लेकिन जो है ना ट्रांसपेरेंट नहीं था। और इनके पास बहुत सारे बहुत अच्छे ग्लासेस थे, मेन समनाबाद पर बहुत मेन बड़ी सी शॉप बनी हुई है, यहाँ के ग्लासेस मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा मैं और सब लोगों को कहूँगी कि जो भी बनवाए ना यहाँ से बनवाए। इमरान मेरा बाहर वेट कर रहे थे और हम लोग बाइक पर ही आए थे, और आयत को लग रहा था कि बस जल्दी से चलें जल्दी से चलें, वो रुक ही नहीं रही थी। फिर हम आयत की बिरयानी लेने के लिए आ गए थे यहाँ पर। आप बिरयानी खाएंगी? तो यहाँ से ले रहे हैं हम लोग आयत की बिरयानी। तो ये बाजी की तरफ का अंदर गली में उनका घर है और ये मेन रोड है। इतनी प्यारी जगह है, इतनी रौनक की जगह है ना, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी पूरी फूड स्ट्रीट है। यहाँ पर मैं आ गई थी सिस्टर के घर पर, बहुत देर से बातें कर रहे थे, तो इमरान आए तो फिर हम लोग खाना खाने लगे, कोरमा बिरयानी वगैरह वो सारी चीज़ें बनी हुई थी। तो मैं तो पहले से खा कर बैठ गई थी, तो बस ये लोग खाना खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। और ये थी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, रात में बहुत देर से आई थी, आकर आने के बाद सो गई थी और कोई ब्लॉग शूट ही नहीं हुआ था क्योंकि जब मैं घर में आई थी तो उस वक्त लाइट नहीं थी, फिर लाइट आने का वेट किया तो फिर मेरे से उठा ही नहीं गया। तो बस तो गाइस ये मेरे ब्लॉग का है डे टू। मॉर्निंग हुई है, अभी नाश्ता वगैरह करके बैठी हूँ, और रात में बाजी के यहाँ गई हुई थी तो बहुत देर से आई थी वहाँ से, और वहाँ पर कोई शूट नहीं किया बिल्कुल भी, और ये ब्लॉग मेरा कल से ही चल रहा है। और मैंने सोचा था वहाँ पर ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन वहाँ पर बातों में इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि बस फिर पता ही नहीं लगा कि कहाँ इतना बैठ के हम लोगों ने जो है ना टाइम गुजार दिया, क्योंकि भांजी की हुई है इंगेजमेंट तो बस फिलहाल उसी की बातें चल रही थी, वो सारी चीज़ें करते रहे बातें वगैरह, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया सबके साथ बैठो तो यही होता है, इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता कि और सारी चीज़ें मतलब व्लॉग वगैरह बनाओ, मेरे मुझे बिल्कुल भी जहन में नहीं रहा। तो बस अभी फ़िलहाल सोकर उठी हूँ, और जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं ग्लासेस लेने के लिए जाऊँगी, मैं ग्लासेस भी लेकर आई हूँ। इतना प्यारा मेरा ग्लासेस बना है बहुत दिनों बाद, इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे अब दो तीन बनवा चुकी हूँ लेकिन मुझे इससे पहले कभी कोई ग्लासेस इतना अच्छा लगा ही नहीं था मेरा, माशाल्लाह बहुत प्यारा ग्लासेस बना है, मैं दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा ग्लासेस, बहुत ही प्यारा सा, ये देखें इतना अच्छा मुझे लग रहा है ना,
पहली दफ़ा इतना प्यारा, इतनी फिनिशिंग से कोई मेरा ग्लासेस बना है। लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए ये बनवाया मैंने ग्लासेस, कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और आजकल आई साइड इतनी ज़्यादा मेरी वीक हो गई है कि मुझे बिल्कुल ग्लासेस के बगैर मेरा गुजारा ही नहीं हो रहा, और नज़र ही कुछ नहीं आ रहा ना इतना ज़्यादा, और करीब की तो बहुत ज़्यादा ही कम हो रही है। तो बस फिर मुझे दिल भी चाह रहा था, वो वाला ग्लासेस मेरा बहुत ख़राब हो रहा था, और पहले वाला जो मेरा ग्लासेस था ना वो प्लास्टिक उसमें था मिरर में, और ये वाला जो है ना कांच में, इतना खूबसूरत लग रहा है। बस मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हर वक्त पहनी रहूँ, लेकिन मेरा हर वक्त पहनने का नहीं है ग्लासेस, काम के टाइम पर या कुछ देखूँ तब पहनने के उसके हिसाब से है ये करीब का। और मेरे चश्मे के जो ये शीशे हैं ना बहुत ज़्यादा मोटे, यानी कि मेरी बहुत ज़्यादा आई साइड वीक हो गई है। तो बस बहुत प्यारा ग्लासेस लग रहा है, रात से ऐसी खुशी में हूँ कि मतलब एक पसंद की चीज़ बन जाए ना तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है। किसकी कॉल आ रही है, यह सर्विस सेंटर वाले भी कॉल करते ही रहेंगे। आया तो बस अभी इस वक्त असर की नमाज़ का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, उसके बाद मिलते हैं। तो हो गई है असर की नमाज़ और आयत मांग रही है पानी, तो पानी दे देते हैं। सुबह से बिरयानी प्लेट रखी हुई है, नहीं खा रही है, और ये अब खा रही है। और टाइम देखो अब 5:30 हो रहा है। खाओ ये लो, पानी लो। तो बस अभी फ़िलहाल जो है ना पहले सफाइयाँ स्टार्ट कर देती हूँ घर की, उसके बाद जो है ना किचन में जाऊँगी और आज देखती हूँ क्या पकाना है। सब्ज़ी तो बहुत सारी रखी हुई है, जो दिल चाहेगा पका लूँगी। सबसे पहले किचन को थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, किचन साफ़ हो जाता है तो सारे काम हो जाते हैं। और 2 दिन हो गए मैंने पौधों को पानी भी नहीं डाला, मुझे बिल्कुल भी जहन में नहीं रहा डालना, और आयान तो आजकल होता ही नहीं है घर में। अब ये गैलरी की सारी सफाइयाँ करूँगी, इन पौधों में भी डाला पानी और इनमें भी डाला। और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि पानी डाला 2 दिन से पौधों में, तो अभी मैंने कहा कि पानी डाल दूँ, इस पौधे में भी डाल देती हूँ। ये भी माशाल्लाह बढ़ रहा है, पता नहीं इस तरह इसमें जो है ना किस तरह से मिट्टी कम हो गई थोड़ी, तो इसकी मिट्टी जो है ना थोड़ी सी दोबारा करूंगी, किसी और गमले में से निकाल कर डालूंगी। लग रहा है मुझे कि इसमें मिट्टी की और ज़रूरत है। बस यहाँ से ये सारी सफाइयाँ वगैरह करती हूँ, कचरा आ गया यहाँ से हवा से उड़ के। तो बस अभी पूरे घर की सफाई हो गई है, रह गए हैं ड्राइंग रूम, तो जल्दी से ड्राइंग रूम को भी मैं रेडी कर देती हूँ। सबसे ज़्यादा बड़ा टास्क जो है ना मेरे लिए सोफ़े का कवर सही करना है। इतने करने के बावजूद भी ये उड़ उड़ के ऊपर जा रहा है, सब सेट कर दिए हैं मैंने कवर, लेकिन ये ज़रूर उड़ के जाएगा हवा से ऊपर। तो हो गई है पूरी सेटिंग घर की, पूरी हो गई, बस अब झाड़ू पोछा करना रह गया है यहाँ का, और बाकी सब जगहों का झाड़ू पोछा हो चुका है। रूम दिखाती हूँ, बेडरूम भी साफ़ हो गया है पूरा, और वहाँ से गैलरी भी साफ सुथरी कर दी है मैंने। तो मेरे से एक गलती हुई कि जिस वक्त सब्ज़ी आई थी तो मुझे उस वक्त मेथी को तोड़ के रखना चाहिए था, मैंने नहीं रखा, और इतनी सारी मेथी सारी की सारी वेस्ट हो गई, इतनी थोड़ी सी निकली ख़राब हो गई थी सारी। और मैं बार बार इमरान बस बैठे हुए थे, मैं उनको ये कह रही थी नहीं आप सही नहीं लेकर आए मेथी, और वो ये कह रहे थे कि नहीं मैं तो सही लेकर आया था, तुमने एक दिन रखी तो ये सारी ख़राब हो गई। तो बस आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने का सोचा, और मैं उठी भी इसीलिए थी आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए, मैंने कहा ऐसा ना हो मेथी ख़राब हो जाए, इतनी सारी आई हुई है, तो बस वही हुआ ख़राब हो गई। यहाँ पर मैंने मसाला भून कर और आलू मेथी की सब्ज़ी बनानी शुरू हो गई थी, मैंने कहा अभी फ़िलहाल मेथी ख़राब ना हो जाए इससे पहले यही बना लो, हालांकि बनाने तो कुछ और वाली थी, बस आलू काट लिए और ये सारी चीज़ें बनाने लगी। और अभी बनाते बनाते एक अफसोस और हो गया था कि इमरान जो आलू लेकर आए ना वो सफ़ेद वाले नहीं लेकर आए, वो लाल वाले लेकर आ गए। जी
से धो लिया वॉशरूम का, हो गया ना? देख लो हो गया आ रहा है सी पानी, देखते हैं कहाँ इसे ना ही नहीं रहा पानी। खोलेंगे पहले वहाँ से, खुला हुआ है नल, यहाँ तो नहीं आ रहा पानी, वहां आ रहा है। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, शुक्र है इतने दिनों बाद इतना तेज पानी आया है। वहां सही आ रहा है वॉशरूम में? दिखाएं, तीन तीन बाल्टियां आपने भर दी, हो गया अब मसला हल, अब तो खराब नहीं होगा, शुक्र है। तेज आ रहा है, शुक्र इतने दिनों बाद हमारे नलों का मसला हल हुआ है। मैं समझ रही लाइनें नहीं डलेंगी, लेकिन शुक्र। ये डस्टबिन वगैरह रख दें वहाँ पर, ये भी रख दें सब चीज़ें, पोछेगा क्या करेंगे ये ना। मैंने पूरी बैठ बैठ के पोछा लगाया था, सफाई की थी सारी, इतनी गंदी हो गई सब जगह की चीज़ें, क्योंकि ना वो पानी नहीं आ रहा था तो पानी की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो गया। शुक्र आज हो गया सारा काम सही। बस मेरी भुजिया अभी बनने वाली है, थोड़ी सी रह गई, मैं इसके चक्कर में बार बार चक्कर लगा रही हूँ किचन के, कि ये हो जाए तो मैं फिर सुकून से बैठूँगी, वरना जल ना जाए, आलू गल जाए बस। और आज मुझे एक डर है कि आलू मीठे, इमरान जो है ना आलू जो बहुत सारे लेकर आए ना सब्ज़ी के साथ, मुझे लग रहा है आलू मीठे लेकर आ गए। आप जो है ना वाइट वाले आलू लेकर आए, आपको लाल वाले आलू लाने चाहिए थे यार। अयान जो लेकर मैंने मंगवाए थे ना, तो वो लाल आलू आए थे पहले, तो वो सही थे बिल्कुल, वो फीके थे। और जो वाइट वाले आलू आए ना, तो वो मुझे लग रहा मीठे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसा ना हो मेरी भुजिया सारी ख़राब हो जाए, इसकी वजह से मैंने इसमें थोड़ी सी इमली भी डाली है और लीमू भी डाला है कि सही रहे। देखते हैं अब क्या होगा। कॉल आ रही है, कौन सा मोबाइल पे कॉल आ रही है? पापा के छोटे से मोबाइल में कॉल आ रही है, क्या हुआ? तो भाई आ गया हमारा मजेदार सा खाना, आ जाओ भाई। मुझे क्या, तुम ये कह रहे थे ना कि मैं लीमू काटूंगा, छुरी ले आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे बहुत भूख लग रही है, नमक ले आओ बस। नान को ये फिक्र थी कि आलू मीठे ना हो। तो गाइस मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, क्योंकि लाइट जा चुकी है और मुझे ब्लॉग एडिट भी करना है, और खाने वाने से सब सबसे फारिग हो गए हैं। तो बस अभी थोड़ी सी देर में जो है ना सैंडविच बनाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जो है ना, मुझे और अयान को मीठी लगी भुजिया वो आलूओं की वजह से, क्योंकि मीठे आलू थे इस वजह से इमरान ने तो खा लिया, लेकिन हम लोगों को सही से पेट नहीं भरा, तो इसलिए सैंडविच बनाने का सोच रही हूँ। जरा लाइट आ जाए, अभी लाइट गई हुई है। तो बस ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह नए ब्लॉग के साथ में। जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।